हेलो माय ऑल लवली चिल्ड्रेन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, घर पे ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं आप लोग। आज क्लास 2 का चैप्टर 3 मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कंप्यूटर का। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 2 में अपना लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 कंप्यूटर का। चैप्टर 3 क्या है? यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन आवर डेली लाइफ। कंप्यूटर का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है, यानी रोज़ाना की ज़िंदगी में कंप्यूटर का हमारा क्या इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का हम क्या उपयोग है, उसके बारे में ये आपका चैप्टर है। इसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ है, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंप्यूटर्स हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के, मतलब डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। वी कैन फाइंड कंप्यूटर्स एट मेनी प्लेसेस। हम कंप्यूटर को कई जगह पे पाते हैं, ठीक है। एट होम्स, घर पे, इन स्कूल्स, स्कूल में, इन बैंक्स, बैंक में, इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, इन ऑफिसेज, ऑफिसों में, एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे, एंड एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स पे, एट शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल, एंड सो ऑन, और भी कई जगह पे, ठीक है। तो मतलब हम कंप्यूटर हर जगह पे देखते हैं, घर हो, स्कूल हो, बैंक हो, हॉस्पिटल हो, ऑफिस हो, रेलवे हो, मतलब डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर का यूज़ हर जगह हो रहा है, ठीक है। लेट अस स्टडी द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ आवर लाइफ। चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर का हमारे अलग जीवन में अलग अलग तरीके से क्या यूज़ है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में क्या यूज़ है हमारी लाइफ के। सबसे पहले जानेंगे हम एट होम, यानी घर पे क्या यूज़ है कंप्यूटर का। वी यूज़ कंप्यूटर्स टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट होम। हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं घर पे कई तरीके के अलग अलग काम करने में, जैसे सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। टू डू होमवर्क, होमवर्क करने में। टू सॉल्व सम्स, कैलकुलेटर का यूज़ करते हो ना आप लोग, टू सॉल्व सम्स, मैथमेटिकल से जो प्रॉब्लम, प्लस माइनस जो भी है आपकी मैथ रिलेटेड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। टू लिसन म्यूज़िक एंड वॉच मूवीज, मूवी सुन, म्यूज़िक सुनने में, मूवी देखने में। टू डू ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करने में। टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, मैसेज रिसीव करने में, मैसेज सेंड करने में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। और देखते हैं टू बुक टिकट्स फॉर ट्रेन, प्लेन और मूवी, मूवी, ट्रेन या प्लेन की टिकट भी बुक कर सकते हैं। टू प्ले गेम, सॉल्व पजल एट्सेट्रा, गेम भी खेलते हैं, पजल सॉल्व करते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटी हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। सी, यहाँ पे चिल्ड्रेन बैठ के गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर पे, है ना। चलिए देखते हैं स्कूल में क्या कंप्यूटर का यूज़ है। घर पे तो हो गया, अब स्कूल में भी देख लेते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल्स। कंप्यूटर का यूज़ स्कूल में होता है। टू टीच इन क्लासरूम्स, क्लासरूम में पढ़ाने का। टू मेक टाइम टेबल्स, टाइम टेबल बनाने में। टू कीप फी रिकॉर्ड्स, जो फीस का जो रिकॉर्ड्स है बच्चों का वो कंप्यूटर में बना के रखते हैं रिकॉर्ड्स। टू मेक टेस्ट पेपर एंड रिपोर्ट कार्ड्स, टेस्ट पेपर, रिपोर्ट कार्ड, ये सब भी हम कंप्यूटर पे बनाते हैं। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो बुक्स है उसका रिकॉर्ड हम कंप्यूटर पे बना के रखते हैं, ठीक है। टू टाइप शेड्यूल्स एंड सर्कुलर्स, शेड्यूल्स वगैरह जो है उसे भी हम कंप्यूटर पे टाइप करके रखते हैं, ठीक है। मतलब ये सारा जो डेटा है, फीस का हो गया, टेस्ट पेपर हो गया, रिपोर्ट कार्ड्स हो गए, ठीक है, लाइब्रेरी में बुक्स कितनी है क्या, ये सारा डेटा कंप्यूटर में फीड करके रखा जाता है, ठीक है, स्कूल में। चलिए देखते हैं अब बैंक में कंप्यूटर का क्या यूज़ है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक्स। कंप्यूटर का यूज़ बैंक में होता है। टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर, कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर करके रखने में, ठीक है। हम अपना जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह है सब कंप्यूटर में उनके फीड रहता है ना। टू टेक आउट मनी फ्रॉम एटीएम, एटीएम से पैसे निकालने में। टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने में कंप्यूटर का यूज़ होता है। चलिए देखते हैं, सॉरी, चलिए देखते हैं ब्रेन बॉक्स में क्या है। एन एटीएम इज़ एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? ऑटोमेटेड टेलर मशीन।
फ्रॉम विच वी कैन विदड्रॉ मनी एनी टाइम, जिससे हम किसी भी टाइम पैसे निकाल सकते हैं. एन ए टी एम ऑल्सो हैज़ अ कंप्यूटर फिटेड इन साइड इट, और कंप्यूटर के अंदर भी ए टी एम फिट होता है. ठीक है, हम एटीएम जब एटीएम में जाते हैं तो कैसे कंप्यूटर पे ही करते हैं ना, पिन डालते हैं एंड ऑल, तो उससे पैसे निकालते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं हॉस्पिटल में क्या क्या यूज़ है कंप्यूटर का. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल, कंप्यूटर का यूज़ हॉस्पिटल में होता है टू परफॉर्म ऑपरेशंस, ऑपरेशंस करने में, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट, जो मरीज हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है कंप्यूटर पे, टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट होती है वो भी कंप्यूटर से बनती है, टू प्रिपेयर बिल्स, और जो बिल्स होता है मेडिसिन का या ऑपरेशंस का या जो भी वहाँ पे एक्टिविटी, उसका जो बिल्स है पेशेंट का वो भी कंप्यूटर से बनता है. ठीक है, ऑफिसेज में देख लेते हैं क्या यूज़ है. टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय हैं यानी जो ऑफिस में वर्क करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एम्प्लॉय कहते हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है. टाइप लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट और लेटर्स कंप्यूटर पे टाइप होते हैं. परफॉर्म कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन का काम भी होता है. ठीक है, टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, ईमेल्स रिसीव करने और सेंड करने का काम होता है कंप्यूटर पे. टू कम्युनिकेट विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड, और अराउंड द वर्ल्ड मतलब संसार में सबसे कम्युनिकेट करने, लोगों से बात करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ हैं तो अगर हमें किसी दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में किसी से बात करना है तो हम नेट के थ्रू उससे बात कर सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. एट रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे क्या यूज़ है इसका, टू बुक एंड कैंसिल टिकट्स. बुक कंप्यूटर से ही टिकट को बुक किया जाता है और कैंसिल भी किया जाता है. ठीक है, टू डिस्प्ले अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स, और ट्रेन हो गई या एरोप्लेन हो गया उसका जो अराइवल टाइम है यानी जो पहुंचने का टाइम है, जो वहां से निकलने का टाइम है, दोनों कंप्यूटर पे होता है. ठीक है, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल पैसेंजर, और जो भी यात्री हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, किसने टिकट बुक की क्या, ये सारी रिकॉर्ड्स कंप्यूटर पे होता है. टू मेंटेन ट्रैफिक सिग्नल्स ऑफ रेलवे एंड एयरवेज, और जो ट्रैफिक सिग्नल को भी मेंटेन कंप्यूटर से किया जाता है, रेलवे और एयरपोर्ट पे हो गया या रेलवे स्टेशन. ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कि शॉपिंग मॉल्स में क्या कंप्यूटर का यूज़ होता है. सी द पिक्चर. टू कीप अ लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड देयर प्राइसेस, जो आइटम्स होता है उसका लिस्ट और उनकी प्राइसेस कंप्यूटर में होती है. टू कैलकुलेट एंड मेक बिल्स, कैलकुलेट करके बिल्स बनाने का काम भी कंप्यूटर पे होता है. हम बिलिंग कराने जाते हैं ना, कुछ भी मॉल से लिया, सारी चीज़ें इकट्ठा करके एक साथ जाते हैं बिल करने. ठीक है, टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ डेली सेल्स, और डेली कितना कितना सामान जा रहा है, कितना बिक रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा जो रिकॉर्ड्स होता है वो भी कंप्यूटर पे ऐड होता है. ठीक है, अब देखते हैं फॉर डिज़ाइनिंग, इसमें क्या कंप्यूटर का यूज़ है. कंप्यूटर्स आर यूज टू डिज़ाइन मेनी थिंग्स, कंप्यूटर कई तरीके के चीज़ों को डिज़ाइन करने में यूज़ होता है कंप्यूटर का. टू डिज़ाइन बुक्स, क्लॉथ्स, ज्वेलरी, बुक्स हो गई, किताबें हो गई, कपड़े हो गए और ज्वेलरी हो गई, आभूषण हो गए, इन सबको डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर पे. टू डिज़ाइन हाउस बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर, हाउस बिल्डिंग फ्लाईओवर भी डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर पे. टू डिज़ाइन कार्स, एरोप्लेन्स, रूट्स एंड सो ऑन, और कार्स हो गया, एरोप्लेन्स हो गया, रोबोट्स हो गया एंड सो ऑन, इसको भी डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर से. ठीक है, अब देखते हैं फॉर मेकिंग मूवीज़, मूवीज़ बनाने में कंप्यूटर का क्या यूज़ है. फॉर मेकिंग कार्टून फिल्म्स एंड क्रिएटिंग लवेबल कैरेक्टर्स लाइक मिक्की माउस, डोनाल्ड डक एट्सेट्रा. सी यहाँ पे कंप्यूटर पे मिक्की माउस है ना. चलिए देखते हैं कार्टून, जो फिल्म, जो कार्टून की फिल्म होती है, जो आप लोग मिक्की माउस देखते हैं, डोनाल्ड डक, ये सब जो देखते हैं, लवेबल जो कैरेक्टर होते हैं, ये सब किस पे क्रिएट किया जाता है, कंप्यूटर पे. ठीक है, टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट विथ ग्राफिक्स, और जो भी ग्राफिक्स जो पिक्चर है उस पर स्पेशल इफेक्ट कंप्यूटर से ही डाला जाता है. टू क्रिएट स्पेशल साउंड इफेक्ट, और जो उसमें साउंड इफेक्ट होता है मूवीज़ में, ठीक है, वो भी कंप्यूटर से ही ऐड किया जाता है. टू एडिट साउंड एंड वीडियो, और जो भी साउंड है, जो भी वीडियो है, उसको कंप्यूटर पे एडिट किया जाता है. जो पूरी मूवी जो बनती है उसमें जो साउंड्स होता है, जो वीडियो है, जो कैरेक्टर है, जो ग्राफिक्स है, जो भी सारी चीज़ें हैं, उसको कंप्यूटर से एडिट किया जाता है. ठीक है, अब देखते हैं फॉर डिफेंस पर्पज़,
मतलब डिफेंस पर्पज में क्या कंप्यूटर का यूज है? टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड्स रखने में कंप्यूटर का यूज़ होता है, यानी जिन लोगों ने क्राइम किया हुआ है, ठीक है, उनका रिकॉर्ड्स रखा जाता है। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, और डिफेंस इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जो भी हो गया गन होगी जो यूज़ होती है डिफेंस में, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कंप्यूटर पे, ठीक है। टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी एन एनिमी, जो दुश्मन होते हैं उनका जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसका पता हम कंप्यूटर से ही लगाते हैं। फॉर कंट्रोलिंग मिसाइल्स, और जो मिसाइल वगैरह होती हैं उसको कंट्रोल हम कंप्यूटर से करते हैं, ठीक है। मिसाइल लॉन्च होती है ना, मिसाइल, तो उसको हम किससे कंट्रोल करते हैं? कंप्यूटर से, ठीक है। अब आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग एक से दो बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ पे, घर पे क्या कंप्यूटर का यूज़ है, स्कूल में क्या है, बैंक में क्या है, हॉस्पिटल में क्या है, ऑफिस में क्या है, रेलवे स्टेशन या एयरवेज पे क्या है, शॉपिंग मॉल्स में क्या है, डिज़ाइनिंग में क्या है, मूवीज़ में क्या है, एंड डिफेंस पर्पज़ में कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है, सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों, आप लोग का पूरा कंप्लीट चैप्टर मैं यहाँ पे कराऊंगी, थर्ड चैप्टर चल रहा है, नेक्स्ट सेशन जो होगा वो चैप्टर 4 का होगा, ठीक है। तो आप लोग लगातार चैनल विज़िट करते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका पूरा चैप्टर कम्प्लीट होगा, ठीक है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे।